जिला कारागार में बवाल मामला, घंटों की मशक्कत के बाद थमा जिला कारागार में कैदियों के बीच का बवाल। डीएमएसपी समेत आला अधिकारियों और पुलिस फोर्स ने मामले को कराया शांत। जिला अधिकारी ने बताया कोई भी नहीं हुआ हताहत। बवाल की सूचना पर जनपद के बाहर से भी मंगाई गई थी फोर्स। बवाल शांत कराने के लिए पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद थमा बवाल। दो गुटों की आपसी कहासुनी में हुआ था बवाल, चले थे ईंट पत्थर। पुलिस बल की सहायता से पाया गया बवाल पर नियंत्रण। जिलाधिकारी ने बताया बात कर समझा बुझा कर शांत करा दिया गया मामला। अन्य कारणों की होगी जांच, अभी पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति। अपने अपने बैरक में जा चुके हैं सभी कैदी। आज लगभग 7 बजे ये सूचना आई कि जेल में दो गुटों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है। उस सूचना पर तत्काल मैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो झगड़ा कर रहे थे आपस में लोग, उन लोगों से वार्ता की, उनको समझाया गया और वो सभी अपने अपने बैरक में वापस चले गए हैं। कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी चोट नहीं है। प्रत्येक बैरक में जा जाकर सभी की गिनती कराई गई है, सभी कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस समय पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है। मैडम, मामला क्या था, किस बात को लेकर हुआ था बैरक का मामला, सब पूरा बताइए। जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआत में ये सूचना आई थी कि दो गुटों में कुछ कहासुनी पर झगड़ा हुआ है। बाकी और गहराई में इसमें जाने के लिए जो भी है उसके लिए हम जांच करा रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। जनपद की बाहर की भी पुलिस आई थी क्या? जनपद के बाहर की भी पुलिस बुलाई गई थी? जनपद से बाहर की फोर्स और जो जनपद में फोर्स है सभी मोबिलाइज इसलिए की गई थी जिससे कि एक सुरक्षा का माहौल बना रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत जेल के भीतर या फिर जेल के बाहर ना हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था का पालन पूरे जनपद में हो। क्या मैडम ईंट पत्थर भी चले थे अंदर? इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी, सबसे बातचीत करके उनको आश्वस्त कर दिया गया था और वो स्वयं बैरकों में लौटे थे। ईंट पत्थर भी चला है मैडम अंदर? ये आंसू गैस के छोड़ने पड़े, क्या ऐसी क्या नौबत आ गई? थोड़ा सा पथराव हुआ था शुरुआत में, लेकिन वो आपस में वो लोग जब लड़ रहे थे हुआ था, जब उन लोगों से बात करके बार बार अनाउंसमेंट करके समझाया गया और जब वो जान गए कि मैं हूँ वहाँ पर, बाकी अधिकारी मौजूद हैं, तो उनके द्वारा ये सब गतिविधियाँ बंद कर दी गई थी। बाद में इस बात पर अड़े थे कि जिला आपसे बात करने के लिए, क्या ऐसी क्या मामला थी जिससे आपसे बात करना चाहते थे? वो अपनी कुछ समस्याएं रखना चाहते थे जिसके बारे में मैंने उनसे विस्तार से चर्चा की है और उन सभी पर जो जो कार्रवाई होनी है, जो हमारे स्तर से होनी है, जो उनकी मांगे हैं, जो वाजिब हैं, उसको भी देखूंगी। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है, सभी लोग आराम से अपने बैरकों में हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। थैंक यू।